नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों की शुरुआत करेंगे और आज गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कल चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और कल पीएम मोदी शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। तो वर्चुअल माध्यम से शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ होना है और गोरखपुर में 4 और 5 फरवरी को कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा, तो शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो वर्चुअल माध्यम से शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ पीएम मोदी कल करेंगे। गोरखपुर में 4 और 5 फरवरी को कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। तो शहीदों के परिजनों को इस कार्यक्रम में सम्मानित भी किया जाएगा। और आज गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। कल चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव में शिरकत करेंगे। कल पीएम मोदी शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे वर्चुअल माध्यम से। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बार फिर पीएम मोदी ऐसे ही किसी कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं, क्योंकि लगातार इससे पहले भी कई ऐसे कार्यक्रम अब तक हुए हैं कि डिजिटल माध्यम से ही पीएम मोदी जुड़े हैं उन कार्यक्रमों के तहत। और एक बार फिर शताब्दी महोत्सव में पीएम मोदी डिजिटल माध्यम से जुड़ेंगे और शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का। तो कल चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। तो कल यानी 4 तारीख का दिन रखा गया है जब इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और गोरखपुर में 4 और 5 फरवरी को कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है। शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी इस कार्यक्रम में किया जाएगा। इस पर अधिक जानकारी के लिए एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे कि कल का जो दौरा ये बताया जा रहा है और आज दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, कल खुद पीएम मोदी डिजिटल माध्यम से जुड़ेंगे और कई कार्यक्रम बताए जा रहे हैं जिनका आयोजन होना है, तो कौन कौन से वो कार्यक्रम होंगे, कौन कौन से मंत्री इसमें शामिल रहेंगे? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौरी चौरा महोत्सव के लिए पूरे वर्ष भर के कार्यक्रमों का डेटा तैयार किया था। कई बार अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। मुख्य सचिव भी सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं कि किस तरीके के कार्यक्रम पूरे साल भर इसमें होने हैं, जिसमें आज शाम सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच जाए। वहीं कल सुबह 11 बजे पीएम मोदी इस पूरे कार्यक्रम का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे, एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। उसके अलावा जो अतीत के परिजन है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनके परिजनों का सम्मान होगा। ये वो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कल होने हैं। कल सुबह 8:30 बजे से कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा, शाम 6:30 बजे तक ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश भर के सभी स्मारकों का कार्यक्रम होंगे। जहाँ मुख्य कार्यक्रम गोरखपुर में होगा, वहीं उत्तर प्रदेश भर के बाकी के स्मारक और शहीद स्थल है वहां पर इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। जहाँ शाम को पुलिस जो बैंड विभाग है उसकी तरफ से राष्ट्रीय का भी स्वागत होगा। उसके अलावा जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो सभी अपने अपने जिले के स्मारकों पर उपस्थित रहेंगे और सेनानियों का उनके परिजनों का सम्मान। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कल चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और कल पीएम मोदी शताब्दी समारोह का शुभारंभ करेंगे। तो वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की है। कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट के बावजूद पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश के सभी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो टीम 11 के साथ एक बार फिर से बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है और कोरोना को लेकर के जो कोरोना के मरीज बताए जा रहे हैं उनके इलाज की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के अधिकारियों को दिए हैं। तो टीम 11 का गठन ही इस वजह से किया गया था, जिस वक्त कोरोना काल शुरू हुआ उस वक्त से टीम 11 काम कर रही है, कोरोना पे अपनी निगरानी रखे हुए है, लगातार जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने का काम टीम 11 करती है। तो इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से लाइव है, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी परिवर्तन बाढ़ के कार्यों में आया है, जिसके कारण से पहली बार 24 जनवरी 1950 से लेकर के अब तक बाढ़ के कार्य होते थे और वो कार्य कब हुए और कब खत्म हुए पता नहीं चलता था, लेकिन पहली बार बाढ़ के कार्यों को संपादन करने के बाद और बाढ़ का सत्र खत्म होने के बाद आपके कर कमलों द्वारा उन सारी परियोजनाओं को जनता जनार्दन को आज आपके द्वारा समर्पित किया जाएगा। मैं समझता हूं कि यह बाढ़ के कार्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक दिन आज का दिन है। बड़ी बात है कि जो कार्य हुए हैं वो सब
दिखाई पड़ रहे हैं, जनता के लिए और जनप्रतिनिधियों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है योगी सरकार ने कि जिसके माध्यम से हम लोग जहां पर खेती को बचा पाए हैं, लोगों को बचा पाए हैं, वहीं पर इस परियोजना को पूर्ण करने के बाद जनता को समर्पित भी कर रहे हैं। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी 91 स्थानों पर वीडियो कैमरे लगा करके हम लोगों ने काम किए। जैसा कि कोविड-19 के बावजूद आपके निर्देशानुसार, आपके मार्गदर्शन और आपकी प्रेरणा से हम लोगों ने मई में कार्य प्रारंभ किए, लेकिन जिस तरीके से आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन हम सब लोगों को प्राप्त हुआ, सभी परियोजनाओं को हम लोग बरसात से पहले सेफ जोन में लाने में कामयाब रहे। अधिकारियों ने रात और दिन लग करके बड़ी मेहनत के साथ काम किया और उसका प्रतिफल ये था कि पिछली बार की बरसात की अपेक्षा आपकी बार बरसात ज्यादा हुई। 56 दिनों तक घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहती रही, शारदा 38 दिन तक ऊपर बहती रही, राप्ती 35 दिन तक खतरे के निशान से ऊपर रही, गंडक कुल 23 दिन तक खतरे के निशान से ऊपर रही। सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर थी। और बड़ी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी की, 2019 में घाघरा में 2.5 से 3 लाख क्यूसिक डिस्चार्ज था, अब की बार 5.5 से 6 लाख क्यूसिक डिस्चार्ज था, और इसी तरीके से गंडक में पिछली बार 1.25 से 1.5 लाख क्यूसिक डिस्चार्ज 2019 में था, लेकिन 2020 में वो बढ़कर के 4.5 से 5 लाख क्यूसिक डिस्चार्ज हुआ। राप्ती में भी, रोहिन में भी सभी नदियां उफान पर थी, लेकिन अच्छा काम होने के कारण से, आपके आशीर्वाद से सब जगहों पर सुरक्षित रहा। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी रिकॉर्ड है कि 2013 में 15 लाख से अधिक हेक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित हुई थी, लेकिन आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा के कारण से 2017 और 18 में 74 परियोजनाएं जो पूर्ण की गई, और 2018 और 19 में 111 परियोजनाएं पूर्ण की गई, 2019 और 20 में 158 परियोजनाएं 2019-20 में 151 पूर्ण की गई और 2021 की हमारी 158 परियोजनाएं पूर्ण की गई। और उन परियोजनाओं के पूर्ण करने के कारण से 2013 में जो 15 लाख से अधिक हेक्टेयर जमीन प्रभावित हुई थी, आज की तारीख में आपके आशीर्वाद से वो 12,005 हेक्टेयर पर आकर के रुका हुआ है। निश्चित रूप से जनता को बहुत बड़ा इससे लाभ प्राप्त हुआ है। पहली बार हम लोगों ने जिन कामों को किया उनको जनता के बीच में समर्पित करने के लिए आज यहां पर उपस्थित हैं। अनिवार्य 146 परियोजनाओं का आपके कार्यक्रमों द्वारा लोकार्पण होगा, 170 का शिलान्यास करेंगे। बड़ी बात है, क्रांतिकारी परिवर्तन है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन, जैसा कि आपने निर्देश दिया था कि हम लोग काम को देर से शुरू करते हैं और फिर कहते हैं कि पानी बरस गया और काम पूरा नहीं हो पाता, लेकिन आपके आशीर्वाद से अब हम 6 महीने पहले यानी जनवरी माह में ही काम का पहली बार शुभारंभ कर रहे हैं, जिससे जनता को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आजादी से लेकर के अभी तक यह पहला क्रांतिकारी इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपके आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा से जो ड्रेजिंग का काम हुआ, बंदे और बंदियों का काम हुआ, पक्के काम हुए और सभी कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर दिखाए जा सकते हैं। आज मैं आपके समक्ष उसको प्रस्तुत भी करूंगा। और बड़ी बात है कि हमारे विभाग ने खुद फिल्म को बनाया है, विभाग ने सारी तैयारी किया है, इस पर कोई हम लोगों ने अलग से एजेंसी नहीं लिया है, इन लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार आपका पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा और निश्चित रूप से हम लोग और अच्छा काम आगे करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को और किसान को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। जिस तरीके से 2020 में किसी प्रकार की पशु हानि, जन हानि, धन हानि नहीं हुई है, आगे भी भविष्य में आपके आशीर्वाद से हम लोग उसको सुनिश्चित कराने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सिंचाई भाग निरंतर गुणवत्ता परक कार्य करते हुए प्रदेश की जनता के हितों को संरक्षित कर रहा है। ये कार्य गुणवत्ता परक ही नहीं, पारदर्शी भी है और शीघ्रता से किए गए हैं। कार्यों की रफ्तार में लगातार वृद्धि होती चली आ रही है, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया
ये पिछले 3 वर्षों में पढ़ना शुरू करने की संख्या जो पहले 50 के आसपास रहती थी बढ़कर 74, फिर 151 और इस वर्ष दिसंबर तक 158 पढ़ने पहुंची गई है। मान्यवर, यह वर्ष कई प्रकार से ऐतिहासिक रहा है। एक तरफ तो कोविड का प्रकोप था, दूसरी तरफ अतिवृष्टि समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी, परंतु विभाग तेजस्वी मुख्यमंत्री जी के परम आशीष एवं कर्मठ जल शक्ति मंत्री जी के नेतृत्व में इस विकरालता को सहजता से पार कर पाया। जबकि इसी अतिवृष्टि के कारण हमारे समीपवर्ती प्रदेशों में त्राही त्राही मची हुई थी। मानवर, यह वर्ष ऐतिहासिक इसलिए भी है कि इस वर्ष आपके आशीर्वाद से जनता की भलाई के लिए हमारे कर्तव्यनिष्ठ जल शक्ति मंत्री जी की पहल पर हमें 735 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। उप व्यवस्था के तहत नई परियोजनाओं के लिए 363 करोड़ रुपए और शेष धनराशि चलित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई। इस धनराशि का सदुपयोग करते हुए हमारी प्रदेश की जनता को निश्चित ही लाभ होगा। मैं इसके साथ ही एक जो विभाग के द्वारा एक फिल्म तैयार की गई है अपने रिसोर्सेज से, अपने यहाँ जो काम कर रहे हैं कर्मचारी अधिकारियों की मदद से एक शॉर्ट फिल्म आपको प्रस्तुत करूंगा, जिसमें उसके पश्चात 146 परियोजनाओं का लोकार्पण और 170 नई परियोजनाओं के शिलान्यास का भी कार्यक्रम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सिंचाई और जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। प्रदेश में बाढ़ से बचाव हेतु नीति योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन सिंचाई और जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 240.93 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रफल लगभग 73.36 लाख हेक्टेयर है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा नदियों पर 523 तटबंधों जिनकी कुल लंबाई 3869 किलोमीटर है का निर्माण कर लगभग 22.94 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सुरक्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली अधिकतर नदियां हिमालय से निकलती हैं, जिनमें वर्षा काल में भारी मात्रा में जल एवं सेडिमेंट तीव्र गति से प्रवाहित होता है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों यमुना, गंगा, रामगंगा, गोमती, सरयू, शारदा, राप्ती, गंडक एवं सोन से प्रदेश के लगभग 40 जनपद प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बस्ती, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती इत्यादि बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं। सिंचाई विभाग के द्वारा बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में मुख्यतः वर्षा काल से पूर्व प्रदेश के संवेदनशील तटबंधों के अनुरक्षण एवं सुरक्षा का कार्य कराया जाता है। तटबंधों के रेनकट्स, कट्टी, टैचोल, कटान आदि ठीक कराकर उन पर रिजर्व स्टॉक की व्यवस्था की जाती है, ताकि बाढ़ काल में आकस्मिकता उत्पन्न होने पर इनका उपयोग तटबंधों की मरम्मत में किया जा सके। बाढ़ से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु बाढ़ चौकियों को भी क्रियाशील कर दिया जाता है। बाढ़ के दौरान विभाग द्वारा फ्लड फाइटिंग का कार्य कराते हुए तटबंधों को सुरक्षित रखा जा रहा है। प्रदेश को बाढ़ की भयावहता से बचाने के लिए नए तटबंधों का निर्माण, पुराने अत्यधिक क्षतिग्रस्त तटबंधों का सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण, नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्य की परियोजनाएं बनाकर कार्य कराए जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की प्रेरणा एवं माननीय जल शक्ति मंत्री जी के कुशल निर्देशन में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2020-21 में बाढ़ की परियोजनाओं को सफलतापूर्वक एवं गुणवत्ता के साथ कार्य कराकर पूर्ण कर लिया है। वर्ष 2020-21 में बाढ़ परियोजनाओं में विभाग के इतिहास में प्रथम बार ऊर्जावान एवं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए
माननीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी की पहल पर पुनर्विनियोजन के माध्यम से 735 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई, जिसके कारण परियोजनाएं पहली बार माह जनवरी से प्रारंभ होने की अवस्था में पहुंच गई। इससे पूर्व नई परियोजनाओं हेतु धन की व्यवस्था माह मई में ही हो पाती थी। उक्त ऐतिहासिक कदम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद। योगी सरकार के आगमन के पश्चात प्रतिवर्ष पूर्ण होने वाली परियोजनाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जहां वर्ष 2017-18 में 74 परियोजनाएं पूर्ण हुई थी, वहीं वर्ष 2018-19 में कुल 111 परियोजनाएं और वर्ष 2019-20 में कुल 151 परियोजनाएं पूर्ण की गयी तथा वर्ष 2020-21 में माह दिसंबर तक 158 परियोजनाएं पूर्ण की गयी है। वर्ष 2020 में मानसून लालीना के प्रभाव के कारण नेपाल में उत्तराखंड से आने वाली नदियों गंडक राप्ती रोहिन शारदा एवं सरयू में जून में ही पानी की अधिकता होने लगी थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग समस्त जिलों एवं प्रदेश के निचले एवं तराई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने के कारण नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी थी। परिणाम स्वरूप बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। वही ऊर्जावान एवं प्रेरणा स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं प्रतिभा के धनी डॉक्टर महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कोरोना काल में भी अद्वितीय कार्यों के द्वारा सिंचाई विभाग ने प्रदेश के सारे बड़े तटबंधों को सुरक्षित रखते हुए युद्ध स्तर पर कार्य कर बड़ी मात्रा में धन हानि एवं जन हानि को होने से बचाया। वर्षा काल में अत्यधिक मात्रा में सेडिमेंटेशन के कारण नदियों के बीच टापू बन जाने के फलस्वरूप नदियों के बैंकों पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया, जिससे ड्रेसिंग द्वारा चैनलाइजेशन का कार्य कराकर बैंकों में कटान को न्यूनतम किया जा सका। जनपद गोंडा में घाघरा नदी पर स्थित एल्गिंग जर्सरी तटबंध, जनपद बलरामपुर में ग्राम चंदापुर, जनपद बस्ती में गलवारी रामपुर एवं कटरिया चांदपुर, जनपद गोरखपुर में खड़गपुर शाहपुर सोपाई भगनी एवं मौलोनी गांव के निकट ड्रेसिंग के कार्य सफल रहे हैं। ड्रेसिंग के फलस्वरूप वर्षा काल में बंधों पर दबाव कम रहा है। वर्षा काल के उपरांत तटीय क्षेत्र में सर्वेक्षण भी हुआ, जिससे कृषि भूमि पुनर्जीवित हो सकी। विभाग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर से राप्ती बेसिन में 3 दिन पूर्व से बाढ़ पूर्वानुमान प्रसारित किया जाता है। पूर्वानुमान हेतु 49 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन से 15 मिनट के अंतराल पर प्राप्त वर्षा के दैनिक एवं संचयी आंकड़ों एवं नदियों पर स्थापित 16 स्टेशनों पर नदी के दैनिक जल स्तर की सूचना FMISC की वेबसाइट पर प्रसारित की गई। वर्षा काल में संभावित वर्षा एवं नदियों के व्यवहार का अनुश्रवण कर क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित होने से बचाया गया। बाढ़ काल के उपरांत स्थलीय सर्वेक्षण किया गया एवं स्थलों की संवेदनशीलता एवं कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए नई परियोजनाओं का गठन किया गया। माननीय जन प्रतिनिधियों के सुझावों, विभागीय कमेटी द्वारा स्थलीय निरीक्षण की आज्ञा एवं जिलाधिकारियों की प्राथमिकता एवं परियोजनाओं की स्थलीय संवेदनशीलता के आधार पर बाढ़ नियंत्रण परिषद की 53 स्थायी संचालन समिति की बैठक एवं विशेष बैठकों में बाढ़ नियंत्रण की 221 परियोजनाएं अनुमोदित की गयी। अनुमोदित नई परियोजनाओं को आगामी बाढ़ काल से पूर्व युद्ध स्तर एवं समयबद्धता से पूर्ण करने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में पहली बार परियोजनाओं को जनवरी के तृतीय सप्ताह में प्रारंभ किया गया। पूर्व सरकारों में नई परियोजनाएं धन आवंटन के अभाव में काफी देर से प्रारंभ होने के कारण प्रदेशवासियों को उन परियोजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता था। नई परियोजनाओं पर पुनर्विनियोजन के माध्यम से 363.27 करोड़ रुपए का धन आवंटन प्राप्त होने से परियोजनाओं के कार्यों में गति आ जाएगी, जिससे परियोजनाएं बाढ़ के पूर्व पूर्ण की जा सकेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा दृढ़ शक्ति और दूरदृष्टि से स्थानीय जनता व क्षेत्र को बाढ़ से पूर्व अधिकतम लाभ एवं बाढ़ के कारण जन हानि एवं धन हानि न्यूनतम किए जाने की दिशा में किया गया ये प्रयास सराहनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा
पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का आज लोकार्पण किया जा रहा है। साथ ही 170 नई बाढ़ परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जनपदों एवं संवेदनशील क्षेत्रों की जनता लाभान्वित होगी तथा आबादी एवं कृषि योग्य भूमि को सुरक्षित किया जा सकेगा। लोकार्पण में हम 140 परियोजनाओं को लोकार्पित करना चाह रहे हैं। लोकार्पित माननीय मुख्यमंत्री जी आओ भैया प्रधानमंत्री एक आदमी इधर इधर सबके क्षेत्र और उसका लागत और शक्ति इसमें हर बस जो घर में उसके पत्थर हो गए थे कुशीनगर में कई काम किया। ४४ पद हैं। साइट पे क्या कार्य हुआ है वहाँ पे साइट दिखाएं। साइट दिखाएं।
नरेंद्र कुमार बढ़िया देवरिया, क्या कार्य हुआ है यहाँ पे साइट पे देवरिया जनपद में? सर हमारे यहाँ से नगवा गांव है सर, आप देवरिया जी आपको आवाज मिल रही है? जी सर आवाज मिल रही है सर, नगवा गांव है सर, माननीय मुख्यमंत्री जी सर उस गांव में गए हुए थे सर, और सर पहली बार हुआ है सर कि वो वहाँ बहुत ही अच्छा सर इन्वाइटमेंट बन के तैयार है सर, वहाँ से तीन सर काश्तकार भी आए हुए हैं सर, और सर ये सर अपनी बात भी रखना चाह रहे हैं सर, अगर आपकी अनुमति हो तो सर मैं यहाँ पे नदी कौन सी, गंडक नदी है? राप्ती, ये राप्ती नदी में है ये नगवा छपरा गाँव सर, ठीक है, जनप्रतिनिधि वहाँ पे जनप्रतिनिधिगण सर वहाँ भी विधायक जी हैं सर बना के, और वहाँ के जिन गांव के लोग सर गांव के लोग हैं सर, गांव के लोग नहीं, ये कार्य वहाँ कंप्लीट हो गया है सर, कार्य कंप्लीट हो गया सर, सर कार्य कंप्लीट हो गया है। आपके गांव में ये जो राप्ती नदी से कटान होता था मनोज जी, क्या ये कटान अब बंद हो गया है, समाप्त ठीक हो गया, वहाँ कटान अवरोधक कार्य संपन्न हो चुका है? हाँ जी सर, बहुत अच्छा काम हुआ है इस साल, और बहुत तेजी से रोक किए हैं, विभाग के लोग जुटे थे और बड़ा अच्छा से काम हुआ है, हम लोग पूरा संतुष्ट हैं, हम लोगों की सुरक्षा हो गई है, गांव के लोग संतुष्ट हैं? जी सर, चलिए आप लोगों को बधाई, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद जी। क्या हुआ था वहाँ पे, पहले क्या समस्या थी और समस्या का समाधान जब हुआ है तो इससे क्या हुआ है? सर पिछले बार बहुत तेजी से बाढ़ हुआ, तो आपको डीएम साहब ने अधिकारी लोगों से विभाग के अधिकारी लोगों से कहा गया, डीएम साहब से कहा गया, तो डीएम साहब और विभाग के अधिकारी लोगों ने मिलकर तो बहुत जल्दी लोगों ने गलत नहीं है, अगर एक काम नहीं होता तो हमारा गाँव सब करीब 40-45 गाँव है, एक बार फिर आपका स्वागत है। तो सिंचाई विभाग की करीब 300 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में करे, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। आए थे, कौन है विधायक आपके यहाँ से? परशुराम जी, श्री परशुराम जी। परशुराम जी तो ऐसे घूमते रहते हैं क्षेत्र में, क्षेत्र में घूमते हैं। पटुराम जी आपके यहाँ ये समस्या का समाधान हो गया जो ये हमेशा? तो गांव के लोग अब संतुष्ट हैं? हाँ, गांव के लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं महाराज जी, उस समय माननीय मंत्री जी भी आए थे, पति में गया था और उस बीच बीच में वहां जाता रहा और उसके बाद कार्य बहुत अच्छा हुआ है, सारे लोग सुरक्षित हैं महाराज जी। चलिए बधाई, आप सबको बहुत बहुत बधाई, नमस्ते। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी, आगे चलिए अगला जिला लीजिए। अगला जनपद है नगर बस्ती, इसमें आपके द्वारा 10 परियोजनाओं को लोकार्पित किया गया है, इनकी लागत है 87.29 करोड़। बस्ती, नमस्कार सर, मैं आशुतोष सिंह बोल रहा था बस्ती से सर, सर हमारे यहाँ 10 परियोजनाओं का लोकार्पण हो गया है सर, और माननीय जो विधायक है उनके प्रतिनिधि और माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि उपस्थित है सर, साइट पे भी सर ग्राम चांदपुर में हमारी टीम उपस्थित है सर, वहाँ पे भी कुछ लाभार्थी हैं, और बाकी यहाँ एनआईसी बस्ती में भी सर यहाँ पे लाभार्थी है सर, इसमें सर अगर यदि सर आप बात करना चाहें तो मैं ये यहाँ पे ये जो
कटान अवरुद्ध कटान जो होता था ये सरयू नदी से होता था, घाघरा नदी से। हाँ सर, घाघरा नदी से होता था। कितने गांव इससे सुरक्षित हुए हैं? सर हमारे बीच में शशिका द्विवेदी जी है सर, जो ये धर्मपुर मुस्कम से है सर, इनसे भी मेरी बात हुई सर, तो इन्होंने बताया कि जो काम इनके गांव में हुआ, उस जो गांव ये बंदे पे काम हुआ, तो उससे लगभग 10 से 11 गांव इनके उससे बच गए हैं सर। बाकी मैं अगर बस्ती की बात करूं सर, तो इस 10 परियोजनाओं की वजह से सर हमारे इंजीनियर बता रहे हैं कि सर मोर देन 60 विलेजेस इससे बाढ़ कटान से बचाएंगे सर। वहां पे नदी में हमने ड्रेजिंग का काम भी किया था सर, उसका कुछ लाभ हुआ? उससे कमी आई है सर। अब ये गांव में बाढ़ का खतरा तो नहीं सर? जैसे सर इस वर्ष में अगर देखा गया सर, तो पिछले वर्षों की तुलना में बाढ़ की जो इम्पैक्ट है सर, बहुत ही मिनिमल था सर, कोई जनहानि और पशु हानि सर फील्ड से रिपोर्ट नहीं हुई सर। चलिए बहुत सुंदर। वहां पे कोई लाभार्थी है गांव का, जो व्यक्ति जिनके गांव सुरक्षित हुए हों या जिन लोगों को इससे? सर है सर यहां पे सर आपके अनुमति से शशिका द्विवेदी जी सर। हाँ बताएं, द्विवेदी जी से बात करो। सर जी नमस्ते। हाँ नमस्ते द्विवेदी जी, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया सर, मेरा गांव आराधी टोरी धर्मपुर मुस्तकम है। मैं बस्ती जिले से डॉक्टर दुर्गा विकास खंड धोलिया से। पहले दो तीन वर्षों से तो हमारे यहाँ ऐसी हालत थी कि हम लोग का रात का सोलर भी खराब हो गया था, और यहाँ तक कि एक साल पहले हम लोग का प्रशासन द्वारा गांव भी खाली करा दिया था, इतना संदिग्ध हो गया था बाढ़ कटान की वजह से। लेकिन अब जब काम हुआ है, इतना बढ़िया काम हो गया है, पत्थर का काम हुआ है, और इस वजह से हम लोग अब काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब कोई समस्या तो नहीं गाँव में? अब गाँव में कोई इसके बाद चले। बहुत सुंदर, बधाई आपको और सभी बस्ती वासियों को जो बाढ़ से बचाव का काम हुआ है। हम आपके बहुत बड़े बहुत बहुत आभारी हैं आपके, आप यहाँ के जितने सभी लोग हैं उसके आभारी हम लोग के हैं, इतना बढ़िया काम हुआ। बहुत सुंदर, बधाई। अगला जनपद है गोरखपुर। गोरखपुर में 10 परियोजनाओं आपके द्वारा लोकार्पित किए हैं, इनकी लागत है 114 करोड़। गोरखपुर बस्ती से साइड पे जनपद गोरखपुर में जो ये कार्य हुए हैं, ये तो घाघरा क्वानो राप्ती तीनों नदियों के हुए हैं या फिर केवल एक, कौन कौन से उस पे कार्य हुए हैं? तीनों नदियों। कौन अब बैठ के बोल दीजिए, आप बैठ के बता दीजिए ना अपनी बात को। गोरखपुर में तीनों नदियों पर काम हुए, राप्ती क्वानो घाघरा गुर्रा, सभी नदियों पर काम हुए। सभी कार्य कंप्लीट हो गए हैं? हाँ जी, ये सारे 8 कार्य पूर्ण हो गए हैं, 2 ड्रेजिंग कार्य उसमें शामिल है, 10 परियोजना इस तरह से पूर्ण हो गई है। लेकिन ड्रेजिंग का काम कहाँ पे हुआ है गोरखपुर में? ये वहाँ पे नदी की धारा मुड़ी है, बंधु को काफी उससे रिलीफ मिला है, काफी धारा उससे परिवर्तित हुई है, अगले पे थोड़ा उसका उतना फायदा नहीं मिल पाया है। बाकी इस समय हाँ ग्राम सभा हरैया भरवैया का तटबंध जो है निर्मित हो गया, जिससे पूरे आसपास के क्षेत्रों में हर्ष का जो है माहौल है और लोग काफी खुश हैं, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र ही जो है बाढ़ से खतरे में हमेशा रहता था, तो वो तैयार हो गया, तो काफी थोड़ा आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता उसके प्रति मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ आपका। चले बधाई आप लोगों को, आप लोगों का प्रयास सार्थक हुआ है और बाढ़ से बचाव के पुख्ता व्यवस्था जो प्रारंभ हुई है
इसको हम स्थायी समाधान की तरफ बढ़ पाएंगे इस प्रकार के कार्यों के माध्यम से। बहुत बहुत बधाई गोरखपुर के सभी जनप्रतिनिधियों को और वहां के सभी जितने भी हमारे गांव के वासी हैं उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जी। हाँ बताएं जी। जो 10 मीटर चौड़ा हो गया और हमारे वहां 3 प्रोजेक्ट आपने अभी स्वीकृत किया है, बरसाइट में, नवरा अवल में और भौकापार मेला बांधवपुर महाराज, इसके लिए बहुत बहुत क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको और माननीय मंत्री जी को ढेर सारी बधाई। और वहां पे बाढ़ के स्थायी समाधान हो जाएगा। पुज महाराज जी, पिछले साल भौकापार मेला बांध पर जो कटान हो रही थी उस पर आपने 11.76 करोड़ रूपये दिए थे, उससे कार्य बहुत बेहतर हुआ है और नदी की धारा मुड़ गई उससे, और फिर थोड़ा नदी आगे प्रेशर बढ़ाई तो उसके लिए भी आपने 5 करोड़ रुपए समथिंग का अभी स्वीकृत किया है, इसके लिए क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई महाराज। चलिए धन्यवाद जी। हाँ बताएं। समाप्ति चौधरी जनता की तरफ से पूरे ब्रह्मपुर ब्लॉक की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले परियोजना मेरे यहाँ शुरू हुई है, बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी और पूरा ब्रह्मपुर ब्लॉक से पूरे भारत से प्रभावित रहता था, आप ये संकट दूर हो जाएगा, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपको भी माननीय मंत्री जी को। चलिए धन्यवाद जी, आप लोग रुचि ले रहे हैं। माननीय भगवान की सजा में आपके प्रयास से बहुत क्या प्रभाव हो, बंदे पर काम हुआ है, सिंचाई पटो पर लग गया चुका है, तिरंगा के पास पटना का वो भी बहुत तेजी से कम्प्लीट हो गया है, काम बाढ़ का खतरा नहीं है उस बंदे को, वो कम्प्लीट हो गया है सभी काम जी, तिरंगा के पास कम्प्लीट हो रहा है। कार्यों का निरीक्षण भी किया करिए आप लोग, कार्य अपने पूरे मानक के गुणवत्ता के साथ संपन्न हो सके इसका निरीक्षण किया जाना चाहिए। साथी साहब महाराज जी, आपके श्री चरणों में पुनः प्रणाम और आपको धन्यवाद देना चाहेंगे हम अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से कि अभी मेरे जो विधानसभा मेरा क्षेत्र ही गोरखपुर के दक्षिणांचल में बसा रोहित राप्ती के तट पर, और इसमें आपने 4 नई परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया है, जिसमें क्या नाम है राप्ती तट से दाए साइड पर रखा है अश्वत पार्क पूरे और जो है गजपुर, ये सब सारे शिलान्यास आज क्षेत्र में एक नई आशा की किरण लेकर के उत्पन्न हुई है और पूरे बाढ़ से व्यापक रूप से बचाव कार्य हमारे क्षेत्र का हो जाएगा, इसके लिए कोटि कोटि आपको नमन, आप और क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत धन्यवाद। देखिए समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम आगे बढ़ जाए ये महत्वपूर्ण है, और कार्य जब प्रारंभ हो तो उस समय कार्य की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता न हो, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कार्य मानक के अनुरूप गुणवत्ता के से समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ जाए तो वह अस्थायी हो सकता है, और अगर हम कार्य प्रारंभ होते समय या कार्य के समय समय पर निरीक्षण नहीं करेंगे और अनावश्यक रूप से उन कार्यों में व्यवधान स्थानीय स्तर पर पैदा होते रहेंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी, फिर परियोजनाएं अटक जाती हैं, लटक जाती हैं, तो उनको अटकने नहीं देना है और भटकने भी नहीं देना है, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आप सभी ने इस पर रुचि ली है, चारों विधायकों को बहुत बहुत बधाई और विकास कार्यों के प्रति रुचि लेने के लिए धन्यवाद भी। नेक्स्ट चलिए अशोक जी, कुछ लोग आए भी हैं सर, आपको कुछ पूछना हो तो सर इन लोग से पूछ सकते हैं। अब हो गया, चलिए कोई चलिए कोई बात नहीं। सर आज यहाँ 22 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है और 9 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है सर, ग्रामवासी मेरे साथ उपस्थित रहे हैं, आपको वेलकम करेंगे। कुशीनगर में कहाँ के प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं सर? मेरे साथ ऐसी से जाने सर, सर प्रणाम सर, मैं केके राज अभियंता सिंचाई सर, विधानसभा के प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं सर, और जिसमें 3 तटबंध हमारे आते हैं अमोहा खास, एपी और नरवा, तो एपी के लोग आए हुए हैं सर, ये
ये सब किस्में गंडक के गंडक का तटबंध है, ये इतना कटान क्यों होता है गंडक में हर बार जो है? सर गंडक नदी हिमालयन रिवर है और क्योंकि उसी नगर बहुत पास में बसा हुआ है सर, और उसके ऊपर ये हमारा ये ऐसा कुंड में वो भी है सर, ये वाल्मीकि बैराज है, वहां जब पानी पानी छूटता है तो काफी उसमें देख रहता है और सूख जाता है सर, लेकिन एक बार स्थायी समाधान निकालना चाहिए इसका। हर बार वहां पे जनधन की हानि भी होती है, लोगों का नुकसान, वहां पे काफी बड़े पैमाने पर पैसा भी खर्च होता है, और हर बार सबसे ज्यादा हम लोगों को चिंता करनी पड़ती है गंडक नदी से होने वाले कटान और उससे होने वाली जनधन की हानि को लेकर के। इसलिए इसके बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए कि स्थायी समाधान इसका क्या हो सकता है। जैसे हम लोगों ने घाघरा और राप्ती नदी में ड्रेजिंग की व्यवस्था दी है, क्या ड्रेजिंग करके नदी के को चैनलाइज करने की कोई कार्रवाई वहां पे हो सकती है? इस पर भी विचार करना चाहिए, आवश्यकता पड़ती है तो बिहार राज्य सरकार से भी बातचीत करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है। दिवस में हमने 13 किलोमीटर ड्रेजिंग का प्रस्ताव लिया था। पेपर में मैंने पढ़ा था सर कि वाटरवे तैयार हो रहा है नेपाल से लेकर के और बिहार तक, जहाँ पर नदी मिलती है उस परिधि में हो सकता है कि ड्रेजिंग। देखिए इससे नदियां जब चैनलाइज होंगी तो फैलेंगी नहीं, और उसका एक प्रवाह होगा, वो गहरी होंगी और तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी, तनाव से कटान से बचेगा, काफी बड़ी संख्या में लोग उससे बच सकते हैं। गांव के लोग आए हैं वहां पे। नमस्ते जी, अरविंद सिंह हिरौली धाम से बोल रहे हैं। हाँ बताएं आप, आपकी बहुत कृपा हुई, आपका गांव सुरक्षित हो? हमारे यहाँ नदी जो है गांव को काटती रही है। गांव आपका सुरक्षित हो गया? जी जी जी, बहुत सुरक्षित हम लोग हैं, चैन से सो रहे हैं, बहुत अच्छे लोग अधिकारी हमारे जिले के मिले कि बहुत मेहनत करके उस बंदे को जो बचा दिए हैं। नदी वहाँ से 300 मीटर अब दूर हो गई है बंदे से, और हम लोग का हिसाब वहाँ खेती भी हो गया सर, जो जमीन सिल पड़ी थी उसमें गेहूँ भी बो लिए हैं, बहुत आपकी कृपा। चले बधाई आप सभी गांव के लोगों को जिनको राहत मिली है, और आप लोग भी इस बात को ध्यान में रखें कि कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे नदी, क्योंकि होता क्या है कि नदी का कटान तब होता है जब लोग गांव के तटबंधों की मिट्टी या बालू निकाल करके लेके जाते हैं, तो उससे नदी को भी और नजदीक आने का अवसर मिल जाता है। इसलिए इसका भी ध्यान स्थानीय लोगों को रखना पड़ेगा, स्थानीय स्तर पर प्रशासन के साथ संवाद बनाना, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बना के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सुंदर ढंग से इसका लाभ आप लोगों को आने वाले समय में मिलेगा। बधाई अरविंद जी आपको और आपके पूरे गांव वासियों को। ये बोल्डर से पिचिंग इसीलिए की जा रही है ना, बहुत अच्छा बोल्डर से पिचिंग इसीलिए किया गया है जिससे वो ठहराव आ सके उसमें, ठीक है ना जी जी, बढ़िया कार्य है, आपके प्रति हम लोग सभी लोग आभार व्यक्त करते हैं सर। चलिए बधाई। अगला मथुरा। मथुरा जनपद में लगभग 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, 12 से 12 तक। नमस्कार सर, जिलाधिकारी मथुरा। सर मथुरा में 2 कार्यो का लोकार्पण किया गया है जिसमें मुख्य रूप से ब्रह्मऋषि देवराग बाबा आश्रम के आउटस्ट्रीम में कटाव निरोधक कार्य किया गया है सर। ये आश्रम पहले कटाव के कारण सर थोड़ा रिस्की हो गया था सर, अब वो सेफ हो गया है सर इस कार्य के बाद। दूसरा कार्य सर हमारे मौजूद क्षेत्र में ग्राम अड्डा मीना है, वहां पर बाढ़ सुरक्षा कार्य सर वहां पर कराए गए हैं। इन दोनों कार्यों के अतिरिक्त सर एक कार्य का लोकार्पण भी आपके कार्यक्रमों के द्वारा किया गया है, उसमें वृंदावन शहर में बाढ़ सुरक्षा के लिए कटाव निरोधक कार्य सर किया गया है। सर ये यहाँ पे
यहाँ पे कार्य तटबंध का काम या ये जो बोर्डर से पिचिंग का काम देवराह बाबा आश्रम के पास यमुना जी के तट पे होना था, ये सब कंप्लीट हो गया है कार्य? जी सर, कंप्लीट हो गया सर। क्यों विधायक जी? साथ ही साथ सर, जी, मारे नमस्ते। महाराज जी बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं और महाराज जी हमारे देवराह बाबा बहुत बड़े ऋषि थे, उनकी मनोजी बचा वो पूरी सेफ हो गई है और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा प्रदेश का आपके आशीर्वाद से सहयोग से बहुत बड़ा काम हुआ है। जितने भी महाराज जी जो आपका दूसरा भी है, तो हमारी यमुना भी है और यमुना जी फिर आता महाराज जी पूरे का पूरा गाँव के गाँव बड़े तकलीफ में आ जाते हैं। लेकिन जो दोनों काम जो आपने महाराज जी किए किए निश्चित तौर पर जनपद मतदान में इसको बहुत बड़ी राहत मिली है महाराज जी। और इतना ही नहीं, जो संत सबसे बड़े देवरा बाबा रहे हैं उनकी एक सबसे बड़ी आस्था है, उनका पूरा मचान सेफ हो गया। चलिए बधाई आपको और सभी जो देवरा बाबा के भक्तगण हैं उन सभी को हमारी बहुत बहुत बधाई कि आश्रम भी सुरक्षित हुआ है, श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान भी हुआ है और जनधन की हानि को भी रोकने में वहां पे विभाग ने अच्छी सफलता प्राप्त की है। गांव के गांव से जुड़े हुए लोग आए हैं, सभी लोग वहां पे क्या सभी इसी क्षेत्र से हैं? राधे राधे, कैसे हैं आप? अब आपका गांव सुरक्षित हो गया? ठीक है, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है, नौ टक्कर बना दी गई है, आश्रम सुरक्षित है, हमारी खेती भी सुरक्षित है, जो बाढ़ से प्रभावित होती थी वो अब नहीं होगी। चलिए अब गांव के लोग खुश हैं, गांव के लोग खुश हैं। हाँ राधे राधे, खुश हैं ना आप? चलिए बहुत सुंदर, अच्छा है, बहुत सुंदर। आप सब लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा। उसका भी समय उसका भी होगा। नेक्स्ट बोलिए, अगला जिला। अगला जनपद है मनोहर महाराजगंज, यहाँ आपके द्वारा 19 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, लागत है 39 करोड़। महाराजगंज। नमस्कार सर, मैं डी महाराजगंज बोल रहा हूँ सर। हाँ नमस्कार, हमारे साथ माननीय विधायक बघेरा और माननीय विधायक सदर उपस्थित हैं सर और ग्रामवासी भी मौजूद हैं सर, आपसे वार्ता करेंगे। क्या ये महाराजगंज में कहाँ कहाँ के प्रोजेक्ट इसमें आए हैं, कौन कौन सी नदियों से जुड़े हुए हैं? सर 8 प्रोजेक्ट नेपाल राष्ट्र का है सर, जो बीघा बंधा और नारी नदी का है सर, और बाकी 19 प्रोजेक्ट जो है सर जो लोकार्पण आज हुआ है सर वो मोस्टली रोहित नदी पे है सर, एक चंदन नदी का प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सभी कम्प्लीट हो गए हैं? हाँ सर। ठीक है, आपको विधायक जी कुछ बोलना है? विधायक ज्ञानित सिंह महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। हाँ नमस्कार, बताएं। माता जी, हमारे विधानसभा क्षेत्र बघेरा में रोहिण नदी है, इस पर 4 परियोजना का आज लोकार्पण हुआ है, जो 11,76,000 का है और 4 परियोजना का शिलान्यास हो रहा है, 22,52,27,000 का महाराज जी। कोई जो दोबरा जगड़ी मंगा महाराज जी जो आपके संज्ञान में है, बहुत बहुत आभारी उस क्षेत्र की जनता है आपके प्रति है, क्योंकि बंधा का काम जो होगा है बंधा ऊंचा भी हुआ है और इस बार जो बजट आया है महाराज जी बंधे को चौड़ीकरण का और ऊंचीकरण का भी है उसमें, और एक रेगुलेटर का मांग बहुत दिनों से हो रहा था, कई बार आपसे निवेदन हुआ था, आपने आपका कृपा हुआ, जब शक्ति मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने भी सहयोग किया जिसके नाते रेगुलेटर भी स्वीकृत हो गया है और 32-35 गांव महाराज जी क्योंकि 2 वर्ष नूपुर को बाढ़ आई थी उससे प्रभावित हुआ था और हमेशा जब बाढ़ आता है तो 32-35 गांव प्रभावित होता है, इस बार तो बरसात में बाढ़ कम आया हुआ था लेकिन जब बंधा कहीं कहीं कोई डैमेज नहीं हुआ था, हम लोग उसका देखरेख भी करते रहते हैं, कार्यकर्ताओं के भी संज्ञान में रहता है, कार्यकर्ता भी बंधे को देखते रहते हैं। तो गांव के लोग आए हैं वहां पे? जी सर जी, गांव के लोगों से बात करो। गांव के लोग सुंदर ठीक है सर, जोगिंदर साहब बात करेंगे।
माननीय मुख्यमंत्री पड़ा। नमस्ते जी, कैसे हैं जोगिन जी? ठीक है सर। अब गांव सुरक्षित हो गया? जी सर। गांव के लोग संतुष्ट हैं अब? जी जी। चलिए, आप लोग सब सुरक्षित हों यही हमारी कामना है, आपकी फसल भी सुरक्षित हो जाए यही हमारी कामना है, और इसीलिए सरकार इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। हाँ नमस्ते जी। हाँ बोलिए। क्यों इसमें जिलाधिकारी महाराजगंज होंगे? एक कन्वर्जेंस के माध्यम से आप मनरेगा से वन विभाग के साथ मिल करके या वन विभाग को इसके साथ जोड़ करके क्यों नहीं उस नाले का सफाई करवा देते हैं? नहीं, योजना बनाइए मत, उसको लागू भी करवाइए, उसको जल्दी से लागू करवा दीजिए। ये महाव नाले के बारे बात बार बार आती है, उससे वहां पे व्यापक पैमाने पे जो है फसलें भी नष्ट होती हैं, खराब होती हैं, बाद में उससे काफी नुकसान भी होता है। तो ये तो जिले में हर एक जगह मनरेगा में पर्याप्त धनराशि है, इस राशि का उपयोग भी हो जाएगा, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, जनधन की हानि भी वहां रुकेगी, और जो बाढ़ की समस्या का समाधान की तरफ भी हम लोग बढ़ पाएंगे वहां पे। इसको देख करके करना चाहिए, और बाकी उसके वन विभाग के उससे बाहर कोई अन्य जगह होगा जहां पे सिंचाई विभाग से जुड़ा हुआ है तो उसका प्रोजेक्ट बना के देंगे, तो फिर यहां पे सिंचाई विभाग उसके लिए आवश्यक धनराशि भी उपलब्ध कराएगी। मराठी छोटा सा आग्रह है मराठी, अब हो गया, ये बाद में बोलना, चले अगला अगला जनपद चलो। नमस्कार सर, जिलाधिकारी सीतापुर विशाल भारद्वाज बोल रहा हूँ सर। यहाँ 7 परियोजनाएं हैं सर, जिसका आपके द्वारा लोकार्पण हुआ है सर। 5 इसमें से शाखा नदी पर है, 2 सर घाघरा में है, कुल 118 ग्रामो इससे लाभान्वित हो रहे हैं सर। 182,000 के आसपास वहां की जनसंख्या है। हमारे मध्य सर माननीय विधायकगण है और क्षेत्रीय जनता, ये सभी कार्य कंप्लीट हो गए हैं? जी सर, सारे कार्य कंप्लीट हैं। सभी हमारे जो जनप्रतिनिधिगण है सभी संतुष्ट हैं इन कार्यों से? क्यों भाई ज्ञान जी? जी महाराज जी प्रणाम। क्या है बताइए, क्या है अब? महाराज जी, सबसे पहले मैं आपको हृदय की गहराइयों से सीतापुर के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ितों की सुध लिया है, और पहली बार इतना काम हुआ है। जो मेरी विधानसभा में जो 90 किलोमीटर लंबी नदी है शारदा और घाघरा,